मुन्ना अरे गुलाब आपा, ये देखिए ना, ये लिबास कैसा रहेगा मुन्ने के लिए। और ये मुकुट, वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इसमें बिल्कुल कृष्णा जैसा लगेगा, है ना। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये गजर किसने बजाया? कौन है आप? क्या चाहिए? तुम उधर संभालो, मैं इधर देखता हूं। जहां मैं कहता हूं वहां चल। जीवा सरकारी अदालत में नहीं, कृपाल सिंह की अदालत में पेश की जाएगी। नहीं सर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या मुर्दाबाद कहने से अगर आदमी मरने लगे तो बाजार में जहर बिकना बंद हो जाएगा। अगर पुतला जलाने से आदमी जलने लगे तो चिता जलाना लोग बंद कर देंगे। मेरी बात का जवाब दो, मेरे खिलाफ ये नाटक क्यों है? मैंने क्या प्रॉब्लम दिया है तुमको? मुझसे क्या शिकायत है तुम्हें? शिकायत तुमसे नहीं है छत्तर सिंह, शिकायत तो मुझे इस धरती से है जो आजकल गल्ले से ज्यादा दल्ले पैदा करने लगी है। गरबा, मैं आजादी के पहले का नेता नहीं हूँ जो हाथ जोड़ते थे, मैं उनमें से हूँ जो दुश्मनों के हाथ काट देते हैं। मैं भी आजादी की पहले वाली औरत नहीं हूँ जो चेहरे की आरती उतारा करती थी, मैं तो उनमें से हूँ जो बदन से चेहरा उतार लेती है। जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद बोलो, मुर्दाबाद। तुम लोगों की तरह गुलाब भाई भी मुन्ना की मां बनी थी, उसे तो कृपाल सिंह ने उड़ा दिया। आज उसकी असली मां की बारी है, उसके साथ आज मुन्ना और जेलर को भी साफ किया जाएगा। अब तू भी नहीं बचेगा हरामजादा। क्यों नहीं कर रहे? मैं लाठी चार्ज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? मैं नौकरी करता हूँ माँ को पैसे भेजने के लिए, माँ को मारने के लिए नहीं। टियर गैस। पूछता हूं मंत्री जी का मर्डर किसने किया? बोलो मंत्री जी का मर्डर किसने किया? मैंने मारा है, 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 मैंने मारा है।
बांधो इसे। जीवा, मेरे भाई यशपाल सिंह की चिता है ये, और ये वही जगह है जहां मैंने कसम खाई थी कि इसी चिता की आग में तुझे जिंदा जलाऊंगा। अदालत में पति के नाम पर मौत मांगने वाली, आज तुझे मौत मैं दूंगा। तुझे इस आग में जिंदा जलाकर मैं तुझे सती करूंगा। जालिम आदमी बहुत कंगाल होते हैं, वो मौत के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैं उनमें से नहीं, एक मौत की सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है। मैं तुम्हें एक साथ कई मौतें दूंगा। सती करने से पहले विधवा को सुहागन बनाया जाता है। नहीं! डाल दो इस पे रंग। लेकिन एक विधवा के साथ ये अन्याय मत कर, ये अन्याय मत कर। मार डालो। हे धरती, तुम मां की छाती की तरह क्यों है? कितना अच्छा होता कि मां की आंचल की तरह होती, तो आज मैं तुझ में समा जाती, आज मैं तुझ में समा जाती। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इसकी टीचर को तो मैंने जंगल में छोड़ दिया और इसे यहां ले आया हूं। उन्ना, भाई साहब, इसकी माँ इसके लिए बहुत चिल्ला रही है, मैं अभी से इसकी माँ के पास भेजता हूँ। हसिया से काटी थी ना मेरे भाई की गर्दन, हाँ? अब मैं तेरे बेटे की गर्दन इस तलवार से टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं करने दूंगी। करो कोशिश, ना तू पहले इसे तोड़ पाई थी, ना अब तोड़ पाएगी। पहले एक विधवा पत्नी कोशिश कर रही थी जिसे तुम देख रहे थे, अब ये माँ की शक्ति देख। तो दिखाओ माँ की शक्ति, दिखाओ। एक माँ की शक्ति। ले जाओ इसे चिता के पास, अब इसे जिंदा जलाकर मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, फांसी के वक्त भी आप दोनों मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बताते हैं और जज साहब उंगली उठाकर जेलर को इशारा करते हैं, फिर वो फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। वो मौत का तमाशा तो आप लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन आज की मौत का तमाशा मेरी मर्जी से होगा। बैठो। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। जुल्म सितम से लड़ने वाला आ
कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूँ। हाँ कृपाल सिंह, यह है तेरा कफन। आप लोग इस तरफ जब जाइए, फॉलो मी। प्रशांत, रोको पुलिस वालों को। हाँ सिंह, गुलाब भाई और अनवर खान के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत मैं तुमको सजाए मौत देता हूं। नदी के दो